मोबाइल में अपने चलाई हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हों या सोशल से रिलेटेड हों, नॉर्मली उन सभी में आपको एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपको खुद आप लेट से एक कास्ट में शुरुआत करते हैं, अगर आप खुद एक बिलराम गेट पर बैठे हैं, तो बिलराम गेट की शॉप की आपको या कंपनियों की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर इसी एरिया में जॉब करनी है, आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाएंगे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी बेस्ट सैलरी इन द वर्ल्ड ऐप के थ्रू आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि नॉर्मल अपने एरिया में आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब पोस्ट कर सकते हैं और अपने ही सुविधा के अनुसार उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं एम्प्लॉयर से सीधे। जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो यही है कि ये एरिया वाइज है, एरिया स्पेसिफिक है, जो अभी तक कोई भी ऐप नहीं प्रोवाइड कर रही। नॉर्मली आपको सिटी वाइज होगी या फिर स्टेट वाइज होगी, लेकिन इसमें बहुत से फीचर हैं जो आपको नए मिलेंगे। और बाकी की जो डिटेल्स हैं हम लोग बातचीत के साथ साथ दिखा के भी आपको कुछ समझाना चाहते हैं। कुछ एड्स हैं हमारे जिसमें बहुत अच्छा अभिनेताओं ने परफॉर्मेंस दी है, अभी चलवाते हैं। धन्यवाद। संजीव बल्तानी जी को, गोपाल मराठा जी को, मनोज मेहता, मोनू गुरु, जितने भी तमाम हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कृपया आप मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। एक बार पुनः मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा, श्री राजवीर साहू जी, दीपक मराठा जी, संजीव बल्तानी जी, गोपाल मराठा जी, मनोज मेहता, मोनू गुरु जी, तमाम जितने भी लोग हैं वो मंच पर आए और आशीर्वाद वचन स्वरूप दो शब्द कहने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध रहेगा प्रदीप यादव जी से कि आप माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। प्रदीप यादव, और हमारे शहर की जिन महान विभूतियों, जानी मानी हस्तियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो यही शख्स है जो अक्सर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं हमारे साथ राजवीर साहू जी, दीपक मराठा जी, संजीव बल्तानी जी, गोपाल मराठा जी, मनोज मेहता, मनोज गुरु जी और तमाम जितने भी लोग हैं, मैं इन सभी को मंच पर बुलाने का कष्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, तमाम जितने भी लोग हैं। हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहते हैं और डेवॉइड टेक्नोलॉजी की मुख्य जो हमारी नायिका है, जो हमारी जड़ है, जो हमारी
सब कुछ है वो है मिसेज राजगुप्ता। तो मिसेज राजगुप्ता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी मंच पर आए और इस मंच की गरिमा को और चार चांद लगा दें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिसेज राजगुप्ता जी के। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि तालियां खुशी का मौसम है, खुशी का माहौल है कि हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, एक जश्न है और उसी जश्न की गरिमा को बनाए रखने हुए मैं राजवीर शाहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने का खर्च करें। राजवीर शाहू जी, हेलो। जो गुप्ता जी ने ये जो एक नया अपने कासगंज में एक नई चीज़ जो खोज की है, इससे इस खोज को हर आदमी यहाँ पर कोई आगरा मंडल में भी ऐसी खोज करके नहीं लाया है। मैं राजगुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी चीज़ लाई है जो कि ऐसा जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी आज तक कभी किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं करवाया। मैं राजगुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन्होंने जो खोज की है उसमें चार चांद लग जाएं और दिन पे दिन तरक्की करें राजगुप्ता जी। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर साहू जी, तमाम दीपक मराठा जी, संजीव पलतानी जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सूक्ष्म शब्दों में अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय इस प्रोग्राम के जजेज और मेरे चीफ गेस्ट मेरे श्री अजय जौहर जी चाचा जी और श्री संजय झुंपड़ जी, आपके सहयोग से प्रोग्राम जो हो रहा है, श्री राजगुप्ता जी का इसमें विशेष योगदान है। राज मोबाइल जो हमारे कासगंज की शान है, उनके लिए इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं श्री राजगुप्ता जी। और मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से तमाम जितने भी हमारे शहर के ये महान विभूतियां हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन्हीं लोगों के लिए कुछ चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा, कुछ लाइनें अर्ज करना चाहूँगा कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। गौर फरमाइएगा कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बहेंगे रास्ता हो जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा राजगुप्ता जी से कि वो भी दो वचन कहने का कृपा करें। राजगुप्ता जी, गुड इवनिंग कासगंज। गुड इवनिंग। शायद मजा नहीं आ रहा आप लोगों को, मेरा तो गला बैठ गया काम करते करते, लेकिन आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए आप लोग। अच्छा इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ मैं आपके लिए। अभी तक हम लोग क्या है, जितनी भी एप्लीकेशन चला रहे हैं सब US से ऑपरेट होती हैं और जितना भी अपना हिंदुस्तान का पैसा है सब विदेश में जाता है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है और आप सभी लोग मेरा साथ दो, सभी लोग, तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि शायद UP में तो अभी तक किसी ने कुछ ऐसा करा नहीं होगा। डॉलरों के रूप से पैसा वापसी आएगा अपना विदेशों से, डॉलरों के रूप में। मुझे लेकिन आपका साथ चाहिए सब लोगों का। एक सपना है जो मैंने देखा है और पूरा करा है, आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आप लोग कहना अगर साथ दो तो मैं इसको शायद पूरा कर सकूं। तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? बिल्कुल। पक्का दोगे? बिल्कुल। पसंद दोगे? बिल्कुल। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं भी अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने कासगंज को बहुत तरक्की में ले जाऊंगा। बहुत बहुत तालियां। ये जो एप्लीकेशन बनी है दुनिया की 8 अरब की आबादी को देखते हुए बनाई गई है, इसमें हर यूजर फिट बैठता है।
अब जो एप्लीकेशन पेंट वर्ल्ड, इसमें हो सकता है कि हम लोग आज अब लॉन्च करें तो इसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे ये क्या नाम है अपडेट होती जाएगी वो प्रॉब्लम दूर होती जाएंगी। फेसबुक को 10 साल लग गया इस स्थिति आने में, मेरा सपना है कि वो 10 महीने में मुकाम हासिल करें जो फेसबुक ने 10 साल में करा हो। तो बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक बड़ा नहीं होता जब तक उसके घर से सपोर्ट ना मिले। अब मेरा घर सब आप लोग हो, सारे सारे आप लोग हो, मेरा यूपी है, मेरा क्लासमेट है, सब लोग आप लोग हो, ठीक है। मेरा मेरे साथ देना, लगातार साथ देना। ओके सर, थैंक यू सर। और ऐप के बारे में बताएंगे हमारे सचिन जी। थैंक्स राज भाई। सचिन सर, मेल कर सकते हैं, वो हमारी टीम आपको पर्टिकुलर रिप्लाई करेगी। देन सजेशंस के जरिए आप कोई भी अपना नया सजेशन दे सकते हैं। देन इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की विंडो आती है, जिसमें आपके लिए साइन अप मैनुअली का ऑप्शन बनाया गया है और सोशल का ऑप्शन। सोशल के जरिए आप अपना गूगल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली साइन अप अगर करेंगे तो मैनुअल एक्टिवेशन होगा, आपका वेरीफाई ईमेल आईडी आएगी, जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, देन आपका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट ये है आपका डैशबोर्ड, जो स्क्रीन वन आपको दिख रही है। स्क्रीन वन पे अपलोड योर सेल्फी, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो कैमरे से क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई भी लाइब्रेरी से फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपका बेस्ड होना एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट के जरिए ऑटोमेटिक आपका फोटो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाएगा। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं माता रानी की तस्वीर, यहाँ पे आपका फोटो लाइव चलेगा। ये भी अभी तक हमारे ही ऐप में है, और कोई भी ऐप मैंने तो अपने सामने नहीं देगी कि कोई भी ऐप इस टाइप का ऑप्शन दे रही है कि आपका पर्टिकुलर आपका फोटो पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। इसमें आपका नाम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट सभी का नाम होगा, जो भी बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट इस पर आएगा। देन अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें पोस्ट, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा पोस्टर जॉब, जो भी मैं आपको सबसे शुरुआत में बता रहा था। कोई भी अगर आप अपनी लोकेलिटी में जाते हैं, कोई भी लोकेलिटी में आप देखते हैं कि अगर आपको बिल्डम गेट टाइप करना है, एटा में पर्टिकुलर घंटा अगर है, पर्टिकुलर अगर उसी में आपको जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं अपने लिए जॉब, और अपने लिए सर्च भी कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या है कि लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आपको, अगर कोई आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, पार्ट टाइम अगर आपको जॉब करनी है, तो सीधे के सीधे एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करके सब कुछ इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। और बादशाह जाती है।
मुझसे छेड़ेंगे क्योंकि मैंने उनके बारे में गलत बोला है और मैं बोलूंगा ना भाई, मैं बोलूंगा। अगर कोई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुरु को गाली दे तो तुम नहीं बोलोगे क्या? मैं तो बोलता हूँ रफ्तार बोहेमिया बादशाह तीनों ही है साले चुतिया पा। हनी सिंह से पंगा लेने चले पर वो जाने ना वो इनके पापा पापा वैसे तो हम भी है अचानक कहो हम डैडी है क्रेजी है थोड़े ट्रेंडी है पर राह की तरह फर्रे भी नहीं है यार। इसलिए बोलता हूँ मेरे साथ आओ तुम मेरे साथ गाओ तुम दोनों हाथ उठाओ तुम और स्पीड ड्रॉप पे करो ऑब्वियसली तो वही है बस फैन वैन छोड़ में तो बन गया एसी ना बात करूं छुस पुतियों जैसी स्वेक्सेट देसी अबे हटे यार असी कलाकार है देसी। चलो माना तुम्हें रैप करना आती है तुम्हारी माँ तुम्हें दूध दूध पिलाती है पर फिर यो यो के गाने आते तुम सबकी इसको तो कहता है एक उपाय बन जाओ मेरे गुलाम ये लो बेटा सेंटर फूड सुबह पर रखो लगाम और मुझसे पंगा लिया तो तुझे उखाड़ दूंगा वरना तेरे सोल जो मेरा गुरु है उसके लिए नहीं सुन सकता भाई उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है जो ओके थैंक यू। अच्छा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं गाने लॉन्च हो रहे हैं ऐप लॉन्च हो रही है अभी तो ये केवल एक गाना है ना इसके बाद एक और गाना है मन मेरा और सेवरस का गस्त और अब हमारी जो एक दूसरी एप्लीकेशन है जैसे पहला मैंने बताया था बेस्ट सेल्फी इन दी इन द वर्ल्ड अब हमारा जो दूसरा ऐप है वो है गेम एडवेंचर टैग जिसके बारे में थोड़ा सा सचिन सर बताएंगे और एडवेंचर टैग भी आप गूगल प्ले पे डेवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिखकर सर्च कर सकते हैं। नॉर्मल ये एक एडवेंचर गेम है खूब खेलिए खूब शेयर करिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी अच्छा रहेगा टाइम पास का। बाकी आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं लाइव है ये ऑलरेडी और अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। रेस्पेक्टेड जज प्लीज ध्यान दें आप अपना स्थान ग्रहण करें। ओके सर थैंक यू जजेस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही आपकी। ये जो बैट सेल्फी के संग एक किस्म की फ्री होता है ना हम इंडियन की आदत है हम लोग एक किस्म की फ्री देते हैं पुरानी आदत है। हमने एक सेल्फी लॉन्च करी था उसके संग एक बिल्कुल फ्री बच्चों के लिए हाँ। जैसे हम भी बच्चे हैं हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए गाना एक किस्म की फ्री दे रहे हैं गाना एक। अब जैसे कि दूसरा जो गाना लॉन्च होने जा रहा है आप लोगों को कैसा लगा ये गाना दोस्तों? तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए है ना YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा यूथ काओ हेलो यूथ सर्कल ऑफ वर्ल्ड यूथ काओ उस पर आपको ये गाना मिलेगा आप वहां से डाउनलोड करिएगा और जितने ज्यादा व्यूज हमें मिलेंगे उतना ज्यादा हम आपको काम दे सकेंगे। और ये ही है वो टैलेंट जो कॉम्पिटिशन कराने का जो रीजन है जो कॉम्पिटिशन हुआ है जो लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली बॉम्बे
आमंत्रित करूंगा हमारे लाहौर और कोलू का, जिनका गाना है सिवरस का कैश। चले टेलर दिखाते हैं, टेलर टेलर वीडियो तेरे पास। बट बताओ सबसे बेस्ट चीज क्या है? यारी, यारी सबसे बेस्ट चीज है। मेजर करना, मेजर मेजर, जिसके पास यार है उसके पास सारा संसार है यार। ले लो पैसा जड़ी बड़ी कासगंज विच बार ओही वाली बार मोड़ दो। देखो आपके शहर में यदि ये आए हैं और उसके बाद भी आपके स्टेज पर कोई सम्मान की बात नहीं है, कृपया हम लोग नीचे गुजरात कलाकारों का सम्मान करें। Here we go.